आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं JVVNL HELPER 2 का जो पेपर हुआ है दोस्तों 2 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में उसकी आंसर की लेकर के आ गया हूं दोस्तों। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की लेके आया हूं, आपके पूरे क्वेश्चन लेके आ गया हूं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख के आप अंत तक दोस्तों, आपको पूरा मिल जाएगा जीके जीएस के बारे में पूरे क्वेश्चन, मैथ के आप इस में कमेंट में जरूर लिख दीजिए दोस्तों। तो आपको पूरा आंसर की मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, उनका राइट आंसर भी आप देख लीजिए आपकी क्या क्या करके आए थे, तो मिला लीजिए दोस्तों आपके कितने सही है कितने गलत है, आप सब कुछ मिला लो दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन कौन सा था दोस्तों। पहला क्वेश्चन था राजस्व मंडल कहाँ पर है, तो राजस्व मंडल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये राजस्व मंडल है दोस्तों अजमेर के अंदर, कहाँ पर है अजमेर में। अब एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों साइंस से कौन सा क्वेश्चन था, थोरियम का अयस्क क्या होता है, तो थोरियम का अयस्क क्या होता है मोनोजाइट, और एल्युमिनियम का कौन सा होता है बॉक्साइट। ऐसे मान लो किसी से पूछ लिया जाए तो आपसे कभी अगली शिफ्टों में या किसी और एग्जाम में, तो मैं उसके भी बारे में बता देता हूँ दोस्तों। चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था, तो चार्ल्स बेबेज थे जो, उन्होंने किसका आविष्कार किया था दोस्तों, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन, हृदय का जो इलाज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो हृदय का जो इलाज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के गृह व न्याय मंत्री कौन है, तो गृह व न्याय मंत्री जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में तो अशोक गहलोत, और जो इससे पहले गुलाब चंद्र थे दोस्तों, तो आपके ऑप्शन कौन सा था वो आप मिला लीजिए दोस्तों। अशोक गहलोत तो वो अभी के प्रेजेंट के, और जो पहले के थे वो थे गुलाब चंद्र, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन था आपके मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को एक क्वेश्चन मिल पाया था दोस्तों, मैंने इसका आंसर दे दिया है आपको। मुहावरा हुआ था दोस्तों खून की घूंट पीना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सहन कर रह जाना, मतलब जो सहन कर ले और रह जाए उसी को क्या बोलते हैं, खून की घूंट पीना, मतलब कोई गाली निकाले तो भी वो चुपचाप बैठता है। वसुंधरा राजे कितनी बार सीएम रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री रही है तो कितनी बार रही है दोस्तों, 2 बार। आपसे पूछ लिया जाए अशोक गहलोत कितनी बार रहे, तो इससे करके अशोक गहलोत 3 बार रहे हैं दोस्तों, इससे पहले वो 2 बार रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो वो है बेणेश्वर मेला कब भरता है, तो बेणेश्वर जो मेला है वो कब भरता है दोस्तों, फरवरी के अंदर भरता है, और कहाँ पर भरता है ये भी पूछ लिया जाए आपसे मान लो अगली शिफ्टों में, तो क्या है डूंगरपुर में भरता है दोस्तों। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है, तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलाई गई, तो इस हिसाब से आपको पता होगा, न्यूज वगैरह देखी हो तो आपने, वो है दोस्तों जयपुर के अंदर, अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था, जो रिमोट कंट्रोल होता है उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, उसका आविष्कार किया था यूजीन ने, कौन यूजीन ने किया था दोस्तों। तो आविष्कार से संबंधित 3-4 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैंने वीडियो बना रखी है तो उस वीडियो को जरूर देख ले, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, 150 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, इसी एग्जाम में नहीं किसी भी एग्जाम में, तो आप सभी एग्जामों की उससे क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चनों में, अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, सांबर झील है, ये जयपुर के अंदर ही, ऐसा क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में आया था, खारे पानी सांबर झील कहाँ पर है, तो ये आया था जयपुर में, तो ये आपको सबसे बड़ी खारे पानी की राजस्थान की झील तो यही हो जाएगी दोस्तों सांबर झील। सरदार झील कहाँ पर है दोस्तों, सरदार झील सबसे छोटी झील है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है पाली, कहाँ पर है पाली जिले में दोस्तों, ये सरदार झील है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, शरीर में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 24 होती है, एक में 12 होती है और 12 टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 12 होती है दोनों पसलियाँ, तो कितनी हो गई 24 हो गई दोस्तों, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कान में कितनी होती है, तो दोस्तों 2 और 2 4 होती है, 6 होती है दोस्तों, तो ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन भी याद रखना होगा। बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सभी को आपको ना, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों स्टिपेज, और सबसे बड़ी कौन सी होती है फीमर, जो पैर में होती है, और स्टिपेज कहाँ होती है कान में, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, फौज हो जाएगा, सेना और फौज सेम होते हैं, तो पर्यायवाची में क्या होता है सेम होता है, सेम पर्यायवाची फौज हो जाएगा। और हिंदी में पूछे गए थे दोस्तों गद्यांश आपसे, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश में एक पैसेज आया हुआ था, और एंटी सिनोमंस सिनोमेंस आए हुए थे, और हिंदी में मुहावरे वगैरह विलोम शब्द, तो ये से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे दोस्तों। आपके पास मैथ के क्वेश्चन हो तो वो भी आप सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वहाँ ज़रूर इसका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों, और उसकी आप ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछोगे तो क्या करूँगा, मैं उसकी वीडियो भी बना करके आपके लिए दे दूंगा दोस्तों। आपके लिए मैं इसका रिजल्ट के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो क्या करो हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लो, दबा दो, और उसके साइड में एक घंटा लगा रखा है दोस्तों उसको भी ऑन कर दो, उससे क्या जब भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों रेलवे किसी भी संबंधित JVVNL रेलवे SSC
सभी राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी से संबंधित, उसमें आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।